रही सत भक्ति की ऐसी धारा ऋषियों मुनियों देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया भक्ति तो सभी करते हैं और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलिशान घर हो घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो हम कभी बीमार ना हो कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे हरदम मौज मस्ती में रहे पर क्या यह? पर क्या यह संभव है हम सब इतनी भक्ति करते हैं व्रत करते हैं श्राद्ध निकालते हैं कावड़ लेकर आते हैं

मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए कोड़ी को काया दी दुखियों को सुखी जीवन दिया मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विदिन मंथ कैंसर में राहत मिली जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया भगत जी एक रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे इलाज भी नहीं हुआ तो फिर घर थक के बैठ गए कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा उसके बाद जयपुर में दिखाया उसमें कोई इलाज नहीं हुआ संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणाम प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ हर दिन में अप्रस्त हूँ मुझे कोई समस्या नहीं मेरे को बीमारी यह थी सर की ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था उस इंफेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नाम दान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया आशीर्वाद देने के बाद तत् क्षण में, में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया भक्ति सभी करते हैं लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सत भक्ति से ही प्राप्त होते हैं आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सत करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव नमस्कार सर नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका भक्त अनिल दास सर कहाँ से हैं आप सीतामढ़ी जिला बिल्सन थाना गांव है सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली सर 2013 हजार नंबर को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे सर जो संसार में अपने समाज में जो लोकाचारी भक्ति चल रहा था देवी देवताओं को पूजा नया देवी देवता पूजा में वही साधना कर रहा था तो वो सारे पूजा करते करते भूत प्रेत के बाधा हमारे घर में एनी टाइम बना रहता था वो पूजा करते 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 मेरे बारह तेरह साल की लड़की थी एक लड़की थी वो डेट कर गई डेट करने के बाद मुझे सारे देवी देवताओं पर मुझे विश्वास उठ गया कि ये सारे देवी देवता पूजा करते हुए इन सारे पूजा करते समय हमारे लड़की को बचा नहीं पाए तो फिर कैसी साधना है कैसी भक्ति है ये कैसे हम करते हैं फिर सर ये मेरे मन में ख्याल उठता था बार बार कि ये देवी देवता अगर ये अगरबत्ती जलाने से फूल चढ़ाने से यदि प्रसन्न होते हैं और लाभ देते हैं तो फिर ये फूल माली फूल बिछते क्यों हैं अगरबत्ती फैक्ट्री वाले अगरबत्ती बेचते क्यों हैं तो बेचना ही नहीं, नहीं चाहिए उनको जब परमात्मा उनसे यदि प्रसन्न होते तो बेचते ही नहीं कोई मेरे मन में बार बार ख्याल आता था बार बार तो ऐसे करते 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 मैं एक बार मेरा धंधा जो है गोलगप्पे का है गोलगप्पे में बेचता था बेचते बेचते मैं चला गया किसी एक गाँव में वहाँ पर एक शिव चर्चा चल रहा था हमारे गाँव में शिव चर्चा का बहुत बड़ा प्रचलित है शिव चर्चा का उसमें लोगों ने हमें पकड़ के जबरदस्ती उसमें जुड़वा दिया शिव चर्चा में और शिव चर्चा में जुड़वाने के बाद मैं अपने गांव में आया तो अपने गांव में एक संत रामबा जी महाराज जी का एक्सेस मिले और उन्होंने हमसे पूछा कि आप शिव चर्चा में जुड़े हैं हम हाँ सर जुड़े तो हैं तो आप बताइए ब्रह्मा विष्णु महेश जी के माता पिता कौन है उनको तो सर हम तो नहीं बता सकते हैं तो वो उन्होंने बताया फिर आप जुड़े कैसे हम कह वहाँ पर गए थे बेचने के लिए लोगों ने मुझे धर पकड़ के बना दिया बन गए तो बोले कि नहीं आप पहले जानिए फिर मानिए उनसे मेरा डिस्कर्ष बराबर होता चला गया तो उन्होंने ज्ञान का किताब हमको दिए लाकर और किताब को पढ़े सारी रात हम जो पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए उसमें अजीबो अजीब बादशाह लिखा अब मेरे अंदर चुभता चला गया अष्टंगी क्या होता है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता क्या होता है सृष्टि रचना पड़ा भगत जी मेरा कलेजा हिल गया और उसमें दारू के बारे में जो लिखा हुआ था मैं दारू बहुत पीता था और दारू पी के मैं बहुत पत्नी अपने पत्नी को बहुत पीता भी था और दारू छोड़ने के लिए मैं जो है नशा मुक्ति केंद्र पर खुद चल के गया था नशा छुड़वाने के लिए लेकिन वहाँ से पाँच पुरिया दिया था दारू छोड़ने के लिए पाँच पुरिया पाँच दिन का ही कोर्स था और खाना था नब्बे दिन तीन महीने खाना था तो पूरा पढ़ लिए तो हम अपनी पत्नी को कहें कि देखो मैं आज के बाद माँ मछली नहीं खाऊंगा, न ला कर दूँगा अब तू तो खाएगी तो मैं मना भी नहीं करूँगा ये मेरा फैसला है तो उन्होंने बताया कि अगर आप सुधर जाइएगा तो दुनिया सुधर जाएगा फिर उसके बाद जो है ना ग्यारह नंबर दो हज़ार को हम आश्रम बरवाला परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए उनसे दीक्षा लिए दीक्षा लेने के बाद मेरी सारी बुराइयाँ खत्म हो गया सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले सर नाम दीक्षा लेने से पहले ही मैंने एक एक जो है ना परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से से बेनती किया था मेरे जमीन विवाद था गांव में मेरे गांव में जमीन विवाद हो गया था तो सारे गांव एक तरफ हो गया था जबकि मेरा सच्चाई था मेरा जमीन हकीकत में था और सारा समाज एक तरफ हो गया मैं अकेला एक तरफ हो गया ये दो की बात है मैं उस समय परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनता था तो उनसे मैं कहा गया परमात्मा आप सच्चे परमात्मा हो तो आप जो है ये ये मैटर जो आप सुलझा दीजिए मैं आपका दास बन जाऊंगा मालिक तो मालिक ने वो मैटर पूरा समाज एक तरफ मैं अकेला एक तरफ मेरा फरीक वरीक मेरा मेरा जो भी है रिश्तेदार कोई भी मेरे साथ नहीं था बस मैं अकेला था परम पूज्य पूजी संतरामबाजी महाराज के शरण में आके और जो है ना उनसे दीक्षा लेने से पहले ही मुझे लाभ हो गया दूसरा लाभ हुआ कि आध्यात्मिक लाभ हुआ कि मैं कौन हूँ कहाँ से आया हूँ मेरा मोक्ष कैसे होगा ये लाभ हुआ और तीसरा लाभ हुआ कि हमारे पत्नी को पीठ की थैली में डॉक्टर ने छः सिक्स एम का पत्थर बता दिया था ये रिपोर्ट है और ये इतना इतना मशहूर डॉक्टर है ये ये डॉक्टर है इनका नाम सब इसमें लिखा हुआ है और ये घेरा लगा रखा है इसमें पीट की थैली का सिक्स एम का पत्थर बता रखा था तो उन्होंने जांच के लिए लिखा जब जा ये जांच से पहले बताया था सिक्स एम का पत्थर है और मेरे साथ में जितने भी पेशेंट को इन्होंने बताया था कि इस लक्षण का उस सबको पत्थर निकला ही निकला फिर हम अगर रिपोर्ट तैयार करवाए तो रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम टेंशन में पड़ गए कि हम तो दीक्षा लिए हुए हैं और मालिक संतरा पाल से और मेरे ही अगर ऐसे होने लगे तो अन्य आदमी को क्या होगा फिर जाके हम जांच करवाए जांच करवाने के बाद रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गए तो फिर वो वह, वहाँ पर नर्स कहती है कि अरे अरे आपको तो एडमिट करना है भर्ती करना है आप कहले कैसे ऐसे खड़े हो गए हम सर आप तो रिपोर्ट तो देखिए कम से कम फिर हम आपको भर्ती भी करना है करेंगे रिपोर्ट देखा रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर ने बताया कि कुछ नहीं है तो ब्लड का कमी है बस थोड़ा सा डॉक्टर ने पथरी बताया था तो पथरी जो है ना परमात्मा संतरापाजी महाराज ने बेगर ऑपरेशन का ही वो तो ठीक कर दिया नशा तो मैं बहुत करता था दारू पी अपनी पत्नी को बहुत पीटता था जो दीक्षा लेने के बाद परमात्मा संतरापाजी महाराज से दीक्षा लेने के बाद नशा भी छूट गया सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ हुए तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो दर्शक भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं सर चैनल पर परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है चेक पीली पट्टी आती है उस उसपे सारे नंबर दिए गए होते हैं उस नंबर पे फोन करके अपने नजदीकी नाम सेंटर ना पर जाकर उनके नाम भी छा ले सकते हैं धन्यवाद सर अब जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई ध्रुव प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मो के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण अब जैसे हमारी मृत्यु होगी तो हमने खुशी है इस बात की क्योंकि हमने वो धन इकट्ठा कर लिया हमने इस मनुष्य जीवन के टारगेट को उद्देश्य को पूरा कर लिया जिसके लिए ये मिट्टी हमें प्राप्त हुई थी इस मिट्टी से सोना बना लिया हम तो इंतजार करते हैं कब ये पर्दा पीछा छूटे इस मिट्टी तर चले अपने सतलोक में कबीर साहब कहते जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद और कब मर हूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद लेकिन वो क्या लेकर गए बेचारे इन नकली संतों के द्वारा भ्रमित किए हुए श्रद्धालु और वहां पहुंच गए केदारनाथ में चलो यदि वहाँ भक्ति मार्ग होता परमात्मा की सत भक्ति होती तो हम भी चल पड़ते और बैसे मर जाते भगवान की भक्ति करते करते लेकिन वो तो गए भी तो डरे डो गए यो दुख नारा हमारे को तो यहां परमात्मा ने खुद कहा गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान से पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान कि नहीं सुनिया तो ये ज्ञान उन महापुरुषों ने बताया तो कबीर साहब कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है हम एक दूसरे से अपने को कम दुखी मानकर उस सुख उसको सुख मान रहे हैं जैसे उसके तीन पुत्र थे एक पुत्र की मृत्यु होगी और टक्कर मार मार करो रहा क्यों छोटे से को लगता पालने मात पिता प्यार करता है कपड़े धो आता है कपड़े धोता है हैं खाना खिलाता अपने मुंह से निकाल कर ले बेटा ले बेटी तू खा ले और फिर वो छीन लिया जाता है तो दुख में कमी नहीं पर हमारी कोई पार भी नहीं बसाती क्योंकि हम गंदे लोक में रह रहे हैं उसका इकलौता पुत्र मरा हुआ था टक्कर कर रो रहा था शोक व्यक्त करने वाले वक्त यानी इधर उधर से रिश्तेदार कुल के लोग आ रहे थे खाना भी नहीं गले उतर रहा था इतने में एक व्यक्ति आ जाता है जिसका एक ही पुत्र था और वो कुछ वर्षों पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था तो सभी सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई यहाँ तो मृत्यु सब के पता नहीं किस गिला के बन जा किसके साथ क्या घटना घट गट जा यहाँ तो सभी के साथ होता है देखिए भाई इसका एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी अब इसने भी संतोष कर लिया तो भी सब्र करे खा ले एक रोटी तो उसको उसने फिर सबर हो गया उसने फिर सुख महसूस किया कि हे भगवान देखो इसका तो एक पुत्र था और वो भी मर गया अरे मेरे तो दो तो बच गए बस फिर थोड़ी सी देर में उसने हौसलासा हुआ अरे का आधी रोटी खाई तो खाक सुख हो गया भाई इतना सुख मान रहे हम परमात्मा कहते जूठे सुख को सुख ये मान रहा मन बोध एक भक्त बता रहा था कि मैं मेरा कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या के गुदा रास्ता नहीं था पहाड़ टूट गया दुख का मेडिकल के अंदर लेकर गया जिस वार्ड में मेरी बेटी को एडमिट किया उसमें चार पांच केस और थे ऐसे ही तब मुझे सुख थोड़ी शांति हुई चोखा और भी मेरे जैसे हैं तो खाक सुख हो क्या बेटी का गुदा गुद्दा आ जाती उनको न्यू देख लिया कि ये भी दुखी है तो कोई बात नहीं बस यू सुख मान रखा हमने तो यहां परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा ना ही कदा श्याम दोपहरे नू और दास ये वक्त जात है इस गे नु इस समय ने याद करके रोया करोगे मनुष्य जात तो छूट जाता है अब सुख का तुम्हें पता है नहीं भगवान कबीर साहब सुख देगा आपको और वो सुख कैसे देता है एक बार आप इस परमात्मा की शरण में आए हो सच्चे बनते हैं सच्ची लगनते हैं और सच्ची श्रद्धा से मर्यादा में रहकर कुछ दिन भक्ति करके देखो आपके मुंह का थूक सूख जाएगा इतने सुख सुनाया करोगे दूसरों को और आपने सोचा करोगे सामने वाला मन सोच रहा होगा ये झूठ बोल है और आप सारी साची बता रहे होगे और सामने वाले को ये सोच रहे हो गए सोचा झूठ बोला सारी लेकिन आपको अब वो सुख सागर मिल रहा है वो परम पिता मिल गए गीता अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर सोलह और सत्रह में तीन पुरुष बताए पुरुष परम प्रभु स्वामी एक सरपुरुष इक्कीस ब्रह्मांड का स्वामी है ये काल जिसमें हम रह रहे जिस काल के लोक में एक ब्रह्मांड में इक्कीस ब्रह्मांड ऐसे ऐसे इतना ही प्रभु है इतना मालिक है एक सरपुरुष है जो सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है और पंद्रह में सोलवे श्लोक में, स्लोक में दो पुरुष बता दिए सरपुरुष और अक्षर पुरुष में श्लोक में बताया है कि जो वास्तव में जो श्रेष्ठ भगवान है प्रभु है वो तो इन दोनों से कोई और है कहते उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदार ये लोक चरण में आविश्य विवर्ती है जो उत्तम पुरुष है ना पुरुषोत्तम सही भगवान इन तेन दोनों आते न्यारा है और वो वास्तव परमात्मा कहा जाता है वो वास्तव में परमात्मा है वो श्रेष्ठ आत्मा है परमात्मा की परिभाषा क्या है डेफिनेशन क्या है जिसका परमात्मा परमात्मा करता श्रेष्ठ आत्मा परम माने श्रेष्ठ और श्रेष्ठ आत्मा ये काम करेगी किसी की टांग कटरी किसी की आंख फूट गई कोई अंधा हो गया कोई कैंसर से पीड़ित या बेटा मर गया किसी की बेटी मर गई कुणबे के कुण नाश हो गए ये पता नहीं कब बिजली गिर जा तो ये परमात्मा का स्थान नहीं ये ये परमात्मा नहीं जहां हम रह रहे परमात्मा की परिभाषा है श्रेष्ठ आत्मा और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है केवल सुख दे दुख होता ही नहीं उसके पास जैसे आम का पेड़ होता है छाया भी दे और मधुर फल भी देता है इसी प्रकार ये समरस परमात्मा कबीर भगवान है और इसकी शरण माने के बाद आपके ऊपर कैसी मेहर होएगी आप सोच भी नहीं सकते ऐसे सुख आपको प्राप्त होंगे जैसे आप भक्तों के अनुभव सुनते हैं कल आपने सुना था एक भक्त भोला बाला सा था और वो बता रहा था कि मैंने मेरे को किसी भक्त ने यहाँ के भक्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी एक भगवान उसकी भक्ति करो तो मैंने गालियां दी बहुत बुरा कहा कि हमारी पूजाएं छुटवाता है और फिर दयाकिी दाता ने पुस्तक पढ़ी चाहे किसी पर फिर यहाँ आया यहां से फिर वापस गया मोबाइल गिरवी रखे हजार रुपये में अरे दाता ने वापस दे दिया जाते हजार का नोट ले पकड़वाई परमात्मा कहते हैं चारों युगों में देख ले हमने किसका राख्या मार द्रव सुताकू दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे तो ये एक परमात्मा इन बातों से प्रसन्न होता है कि इस प्यारी आत्मा ने मेरे मेरे वहां जाने के लिए कितना कमाल कर दिया पैसा नहीं और फिर संघर्ष करके आ रहा है तो कहते नुकते नुकता था उसका नुकते ऊपर रिग जाएगा एक करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे फिर जोत के लिए पैसे नहीं भगवान खुद जाके एक किलो घी दिया उसको अगले बैथरे घर वालों ने भेजा हम पहले सुना करते थे कि नरसिंह जी का भात भर दिया नरसिंह की ऊंडी दे दी पर रोज दे रहा है फतलों का से, नाम प्राप्त प्राणियों को वो कबीर भगवान दीवार, 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 दीवार। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने आपके ऊपर मेर करी है और आप वास्तव में एक धनभागी प्राणी हो जिनका ऐसे समय में मानव शरीर हुआ है कि परमात्मा ने अपना वो खजाना खोल दिया जिसको अभी तक काल से बचाकर छुपाकर आंख में चौनी करके यहाँ तक पहुँचाया है अपन आत्माओं आप देखते हो ये कैसा भोला बाला भक्त दिखाई देता दास गदगद हो जाता है कि दास के द्वारा दिए गए ज्ञान से परमात्मा के बच्चे रंगे जा चुके हैं अब इनको ब्रह्मा विष्णु महेश विज्ञान में पराजित नहीं कर सकता वो खुद हार के जाएंगे अब ये वो अनमोल ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है आत्मा सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृत्तास कहा जठरगनी गि प्रतपाल सतगुरु आए दया करी परमात्मा स्वयं ही सतगुरु बनकर आते हैं आप जी को दास ने बहुत बार सदग्रंथों से वेदों से प्रमाणित किया है कि उस परमात्मा वो परमात्मा कैसी लीला करता है वो कहाँ रहता है कौन है कैसा है कैसे मिलता है और वो कहाँ प्रमाण है तो आप जी को उस परमात्मा के पहचान पहचानने के लिए ढेर सारे प्रमाण इकट्ठे करने पड़े ताकि परमात्मा के बच्चे अपने मालिक को पहचान सके सदग्रंथों से प्रमाणित किया जिन सदग्रंथों को आज तक हम सरोधार्य मानते हैं और सत्य विद्या की पुस्तक मानते हैं वेदों से गीता से पुराण से कुरान से बाइबल से गुरु ग्रंथ साहिब से और साथ में उन गवाहों को आपके सामने उन महापुरुषों को भी रूबरू करवाया जिनको परमात्मा मिले स्वयं आकर के जैसा वो लीला करते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त छियासी के मंत्र छब्बीस और सताइस में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त बयासी मंत्र एक दो तीन में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त बीस मंत्र एक में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त चौरानवे के मंत्र एक में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त पिचानवे के मंत्र दो में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त 96 सिक्स के 16 से लेकर 20 में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त चम्बन के मंत्र तीन में ऋग्वेद मंडल नंबर नौ सूक्त एक मंत्र आठ और नौ में और भी ढेर सारे प्रमाण प्रत्येक वेद में उसमें लिखा है कि परमात्मा ऊपर के लोकों में एक राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है और वहां से यहां आता है काल के लोक में अज्ञान को हटाने के लिए क्योंकि काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बुला दिया और अपने आप को सिद्ध कर लिया और सब अज्ञान बर दिया प्रत्येक जन के अंदर अब सभी ने इस मरने और जीने को अंतिम मान लिया कोई मर गया तो मर गया कोई बात नहीं हम बचे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि आप कब तक बचोगे कभी ये फिर सोचना ही बंद कर दिया हमने तो वो स्वयं आकर के ये ज्ञान कराते हैं ये प्रमाणित सदगर प्रमाणित करते हैं बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है यानी चल कर आता है अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको तत्व ज्ञान से परिचित करता है अपना गवाह बनाता है तो आपके अज्ञान को हटाने के लिए आपको अपना पिता पहच पहचानने के लिए क्या आप उसको पहचान सके सभी सदग्रंथों का ज्ञान परमात्मा ने इस दास को दिया और फिर उन महापुरुषों के अनुभव और महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले उन कैसा महसूस किया कैसा भगवान को बताया और कैसे वहां गए किस प्रकार उस परमेश्वर ने उनको वापस छोड़ा ऊपर के सब लोग दिखा गए वो आपके रूबरू कर दिए तो अब हम अपने परमात्मा को पहचानने योग्य हो गए पहले आपको शिक्षित किया नहीं पहले शिक्षा नहीं थी और इस शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं हमने ये तो बेईमान बनाती है अहंकारी बनाती है एक छोटा मोटा अधिकारी बन जाता है कोई आईपीएस बन गया कोई आई बन गया या कोई एमएलए एमपी बन गया मंत्री बन गया प्रधानमंत्री बन गया या कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया इसमें इतनी मरोड़ भर जाती है इतनी अकड़ आ जाती है और मृत्यु एक मिनट में मृत्यु हो जाती है और फिर गदा बना फिर बोरे लाज रखे कुमार के ऊपर खा के इस जीव का तो ये इस तत्व ज्ञान से हमारी बुद्धि सेट होगी हम जीव को हम अपने आप को समझेंगे और हमने अपनी औकात का पता लगेगा तो फिर हम तो इसलिए हम इस शिक्षा ने गढ़े बिगाड़ दिए लेकिन परमात्मा को मालूम था कि एक बार इनको बिगाड़ना जरूरी है कैसे बिगड़े आप देखते हो कैसे पहनाव हो गया हिंदुस्तान में और पहले कैसा पहनाव था बकवादी बेमतलब कि ऐसे कार्टून बनकर लड़कियां चलती हैं कार्टून बनकर लड़के चलते हैं क्या इसी को विकास मानते हैं लेकिन मालिक को पता था और पहले इनको शिक्षित करूंगा और शिक्षित करके फिर ये इंस्ट्रूमेंट ये उपकरण बनवाए हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बनाया है सीडी, डीवीडी बनवा दी मोबाइल बनवा दिए इंटरनेट बनवा दिया और ये टीवी चैनल बनवा दिए ताकि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों में स्वयं देख सकें अपनी आँखों से कि कैसा है भगवान कहाँ रहता है भगवान वो क्या करता है भगवान और कहाँ है उसका प्रमाण तो इसलिए ये उपकरण परमात्मा ने दिया आपके ऊपर रैम कर रखे आपको तो मालूम नहीं उस परमात्मा ने कितने खाड़े कर रखे हैं आपके लिए और कब से भटक रहा है आपके लिए आप तो भांग पिए पड़े हो यहाँ काल के लोग में कबीर साहब कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में अर्जा पैठू पाताल और ग्रीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे लाल अब देखो परमात्मा ने अब बच्चा ये बता रहा था भक्त अपने अनुभव में कि कैसे मुझे परमात्मा मिले कैसे ये मार्ग मिला अचानक टीवी देख लिया ना गुजरात में और कौन बता का एक एक आदमी ने और कैसे समझ पावे अब जैसे आप किसी को बात समझाने लगते हो सौ बाद भी बात करता आपके साथ और उठ के चला जाता है अब टीवी में बैठ गया ठीक है टीवी में बैठेगा घंटा आध घंटा जो सत्संग चलेगा तो वो उसके साथ वार्ता तो कर नहीं सकता ना विवाद कर सकता विवश उसने सुनना पड़ेगा चाहे गाली दे के सुनो अब सुनना सुनना पड़ेगा और सुनेगा तो फिर अंदर भी समाओगे क्योंकि तनमोल ज्ञान है तो पुण्यात्मा हो उस परमात्मा ने आपके लिए बहुत कुछ कर रखा है आप बालक हो काल के लोक में फंसे पड़े हो आपको अपने दुख का पता नहीं पिता को पता होता है तो अब यहां से निकालने के लिए परमात्मा ने समय सेलेक्ट किया था ये टाइम सेलेक्ट किया था बीच डी का कलयुग के अंदर और तब तो परमात्मा ने कहा था कि जब पचपन पांच वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं आऊंगा स्वयं ने तो दास भेज दिया अब प्रधानमंत्री आओ या प्रधानमंत्री अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव ने भेज दे फुल देख है तो प्रधानमंत्री समझना चाहिए उसकी वचन में शक्ति प्रधानमंत्री वाली ही है तो इस दास को भेज आपके रूबरू कर दिए इन सदग्रंथों को जैसे हिंदुओं के सदग्रंथों को हमारे धर्मगुरु हिंदू वाले नहीं समझ सके ना गीता ना वेद पुराणों को अटपट उ बाई बक्या करते और नाम ही निकाल लिया करते कि हम वेदों से पुराणों से और श्रीमद् भगवत गीता से आपको ज्ञान सुना रहे उन्हें कहकर नहीं पता था वेदों गीता और पुराणों का आपके आप तो आपके समक्ष ही हो गया जो जिन्होंने ये ज्ञान सुन रखा है उनको तो क्लियर हो चुका है कि वो तो डलेड होया करते ऐसे ही कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को कुरान शरीफ का ज्ञान नहीं था पुणात्माओं आम भाषा जानते नहीं वह वा क्या भाषा है ला लल्लू वो मारूँ समझ माँ बनी एक विचारकरण की बात है ये कबीर साहब का दिया हुआ दिमाग इस दास को हमें पता था मेरी कितनी बुद्धि थी अब मुझे मालूम है परमात्मा का दिया हुआ ये सब कुछ किया हुआ हो रहा है न ये इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम बनाया जा रहा है टीवी इंटरनेट डी कंप्यूटर ये मनुष्य नहीं बना सकता ये मोबाइल छोटे छोटे बना दिए इसमें पूरी फिल्म परमात्मा के सत्संग सच्चिंग के सत्संग भरे जाते हैं पचास पचास सौ सौ दो सौ दो सौ घंटे के तो परमात्मा ने रजा बख्शी आपके ऊपर के मेरे बच्चे इस काल के लोक में इन्होंने बिजी तो रहना ही है क्योंकि यहां तो कर्म प्रधान है और सतलोक में कर्म प्रधान नहीं वहां तो मौज है मौज है आपकी सारे सुख आपके पास उपलब्ध रहेंगे तो इसलिए परमात्मा ने ये जीव के कल्याणार्थ ये काम किया है जैसे परसों एक भक्त कल अपने इंटरव्यू में बता रहा था अपने अनुभव में कि हम राजस्थान से आते हैं और राजस्थान से हमारे लगभग जब हम ट्रेन में वापस जाते हैं सत्संग सुनने के लिए तो इशार से जोधपुर जाती है ट्रेन वो खाली होती है हम सब भगत ही उसमें प्रवेश हो जाते हैं और उससे में देखे न जा रहा कोई कोई तो नितनेम कर रहा है कोई मंत्र कर रहा है कोई परमात्मा की चर्चा ही कर रहा है कोई भोजन कर रहा है भगवान का यहाँ से प्रसाद लेकर जाते हैं तो ये जो चर्चा चलती है वहां बैठे जो कोई भक्त उनमें भी आकर बैठेंगे अन्य सवारियां होंगी तो वो अपने उनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा इन वाणियों का पूरे वातावरण में अब प्रवेश होगा और जो जैसे कुछ ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के परमात्मा की वाणी सुनने से ही अक्षीण हो जाते हैं और फिर वो चेतन होता है जैसे एक किसी को सर्प डस जाता था तो पहले आध्यात्मिक ट्रीटमेंट होया करते थे तो उसको गार्डू होते थे जो झाड़ फूक करने वाले विष उतारने वाले वो एक मंत्र बोला करते थे जिसको सर्प ने डस रखा हो तो अचेत पड़ा है वो ना उस मंत्र की लैंग्वेज जानता है ना उसको सुन पा रहा है और फिर वो गारडू जो होता है विष उतारने वाला उस मंत्र को बार बार बुदबुदा रहा है जिसके कारण उस वाणी से उसके मन उस विष उतर जाता है सर्फ का और फिर वो चेतन हो जाता है ना वो सुन रहा था ना उसको उसकी भाषा जानता हो क्या बोल रहा है और उसने पर भाव कर दिया ठीक इसी प्रकार ये वो मंत्र है उस परम्पिता के आपके आपको काल भगवान ने डस रखा अजगर ने ये विष इस मंत्रों के इस परमात्मा के वचन के इसके अतिरिक्त कोई उतार नहीं सकता तो ये वाणी जो परमात्मा की है ये उस काल के विष को उतारने के लिए है आप अचेत पड़े हो इस गंदे लोक में न ये ऋण का स्थान है एक मिनट में ना जाने के बिजली गिर जाए एक टूक के लिए सारा दिन धके खाते अंडे सो झूठ बोले मिलावट करें पता नहीं केक के जुल्म लेते हैं और पाप फिर भोगने पड़ते कुत्ते बढ़ के सिर में कीड़े पड़ते हैं हमारे तो ये जो वाणी परमात्मा ने भी साधन दिए हैं आपको मोबाइल बुडे का देख ले बालक के सबकी जेब में बहन बेटियों के पास हो गए और इसमें पहले तो बकवाद भरा करते थे फिल्म देखा करते अटपट रखा करते अरे परमात्मा की वाणी चलती है इसके अंदर तो ये वाणी जैसे कोई खेत में गया है तो जाते भी चल खेत में जाते हैं किसान है मजदूर है चलो वहां करेंगे नितने मोबाइल जेब में है काम कर रहे हैं मोबाइल ऑन कर लिया काम भी कर रहा है नितने भी कर रहा है मंत्र भी कर रहा है कान में लीड ला लिया आजकल सो सिस्टम दे दिया जाता ने तो वो प्रभाव पड़ेगा सबके जैसे किसान हल जोत रहा है बीज बो रहा है एक तो तमाखू पीवा के लग बीड़ी घुट घुटमार और फिर नू एक तो तमाखू का जो वासना वो जागी अरे एक भगवान का भक्त परमात्मा के मंत्र करता करता बीज बोए उस खाने वाले पे भी असर होगा उसका जो उस अन को खाएगा इसी प्रकार जो वाणी वातावरण में फैल रही है वाणी परमात्मा की बच्चा बच्चा जन जन सब उसी की चर्चा करता है कोई वाणी बोल रहा है राम नाम रटते रहो जुप्त गटम प्राणे दीन दयाल कह बनित पड़ेगी कान तो भगता तो के बच्चे ये वाणी ये बोलेंगे तो उसके आसपास और बच्चे होंगे उन पर भी असर पड़ेगा तो इस प्रकार परमात्मा ने कहा कि इस कलयुग में पूरी सृष्टि इस सतनाम को प्राप्त करेगी और सब भक्ति करेंगे मेरे बच्चे और सब पार हो जाएंगे दीवार, दीवार, दीवार। तो पुण्यात्मा जब तक हमें सत भक्ति नहीं मिलती सच्चा सतगुरु नहीं मिलता और परमात्मा का ज्ञान सही नहीं होता तो हम डगमग रहते हैं और परमात्मा का मार्ग मिलने के बाद फिर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कहते हैं, क्या हुआ हरिनाम हैं जब मन में ना विश्वास आप नाम भी कर रहे हैं और परमात्मा पर विश्वास नहीं है तो आपकी भक्ति विफल है कोई फायदा नहीं उस नाम के लेने का एक भक्त एक लड़का जवान जु, लड़का पत, वो दोनों बच्चे उसकी पत्नी भी राये हुए थे वो पायलट लगे हुए हैं ऐसे वो बात कर रहे थे जैसे खड़े थे हमारे पास और कोई बता रहा था जी मुझे ऐसा लाभ हुआ ऐसा लाभ हुआ माँ ठीक है बेटा अब जब शुरुआत आपकी देखते जाना भगवान क्या क्या सुख देगा आपको तो वो लड़का कह रहा था पायलट बेटा नू कह रहा था जी कोई मैंने नू कहो है ना मेरे हमारे गुरु जी ने कभी दास का नाम लेके और सूर्य को हाथ में ग्रहण कर लिया तो मैं नो कहूंगा यह कोई खास बात नहीं ये तमाम चीज है उनके लिए वो तो कुछ भी कर सकते हैं तो पुणात्मा इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको भगवान के ऊपर तब इसमें सफल होगे। अब जैसे जब तक हमें ये यथार्थ ज्ञान नहीं मिला था ये सच्चा भगवान नहीं मिला था तो हमने कोई बह कहा था कि ना ऐसा नहीं ऐसा ठीक है तब वो भी मान लेते थे जब इस दास को ये ज्ञान प्राप्त हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव जी से और ये सत्य नाम प्राप्त हुआ उसके बाद के भक्ति करी रजा तो नहीं की थी क्योंकि सतगुर कृपा करते तभी भक्ति होती जीव भक्ति नहीं कर सकता काल कर नहीं दे। तो दाता साथ रहते अपने बच्चे के और तब ये भक्ति कर कर पाता ना इतना उलझा रखा है सौ समस्याएं सैकड़ों टेंशन पैदा कर रखी बेमतलब की तो पहले वो टेंशन खत्म करेगा अंदर से सहारा देगा क्योंकि हम तोड़ रखे काल में कति रगड़ रखे पीस रखे अब घने दिन में तो आपका दिल खुलेगा कि सचमुच भगवान यो यो भी बच, यो भी सुख हो गया यो भी हो गया और फिर जाके मन दृढ़ होगा समय अवश्य लगेगा परंतु तो ये करके छोड़ेगा तो पहले इस दास को इतना कोई भी डगमग कर देता ज्ञान इतना था नहीं और कोई भी दो बात अटपट करता था हम सोचा करते यो भी ठीक होगी भाई ये भी ऐसा भी ठीक होगा तो यहां परमात्मा भी कहते हैं कबीर साहब के ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाया ये देखा देखी भक्ति का फिर रंग नहीं ठहरा जब तक हमारे हृदय में ये ज्ञान नहीं डकेगा जाकर यानी हर में इसमें कसक नहीं बनेगी सच्चाई की तो हमें कोई भी लेगा तो जब मेरे जीवन में जो यू टर्न आया वो कैसे था कि पहले हमारे जो है धर्मगुरु जो भी ज्ञान देते थे हम उसको सच मानते थे और जैसा कि जब दास के साथ ये घटना घटी हमारे घर के ऊपर एक कमरा अलग से बना रखा था उसको किराए पर दे रखा था उसमें एक आर्य समाज महरिषिंद का चेला शास्त्री था वो, वो उसमें किराए पर रहता था बोलन चालन का बहुत अच्छा अच्छा स्वभाव था उसका एक बहुत ही नेक सा आदमी दिखा करता नेक तो था लेकिन ज्ञान अज्ञान था उसके अंदर लेकिन उस इस नाम से ज्ञान से पहले इस परमात्मा वाले ज्ञान से पहले हम जो भी चर्चा भगवान की करते थे तो वो कहता था ऐसे नहीं वैसे नहीं तो हम मान लेते थे भी 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 आप कुछ एज भी था, एज आदमी था ठीक कह रहे ये भी सच्चा। जब ये सच्चा है जब ज्ञान दास को हुआ उससे पहले उसे चर्चा होती थी कि हमने हमारे सुना है कि जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने यानी साड़ी बढ़ा दी तो वो कहता था नहीं नहीं ऐसा कुछ भी होता ये तो सिर्फ एक पाखंडियों का भ्रम फैलाया हुआ है ऐसा कुछ नहीं होता तो हम ये भी मान लेते थे क्योंकि हमें कोई दृढ़ता नहीं थी एक दिन ऐसी रजा हुई दास को क्योंकि जब तक भगवान हमारे साथ कोई ऐसी अनहोनी नहीं करेगा इतना मन पापी टकै नहीं ना यू भक्ति करने दे ना दृढ़ होने देता तो दास ने ये जैसे भक्ति बोध है यह कुछ पुस्तक बनवाई सन उन्नीस सौ उन्नी में दास को नाम मिला था उन्नीस और नब्बे की बात है और एक अलग से पूजा स्थल बनाया साढ़े पांच बाई पंद्रह फुट का एक गैलरी के ऊपर ऊपर सेकंड फ्लोर पर और उसमें आमने सामने खिड़की में खाई यहाँ हवा भी साफ आती रहेगी आपने उसमें फोटो वगैरह लगा के मंदिर टाइप बना लिया जब वो मकान हम बना रहे थे थोड़ा शहर से बाहर था तो मैं लाया जाली लोहे की मच्छरों से बचने वाली बचाने के लिए जाली लगाते खिड़कियों पर तो किसी भी कारण से मेरे से गलती लगी या उस सेठ के नौकर से गलती लगी आठ इंच छोटी जाली काट दी आमने और सामने की और मैं ले आज आके मैंने बच्चों से कहा कि इसको लगाओ मकान तो बन चुका था वो खिड़की वो लगाना रह रहा था जब वो लगाने लगे बड़ा लड़का और एक किराएदार था वहा अन्य बिहार का था उन दोनों ने लग के वो लगानी चाहिए तो उन्होंने कहा जी तो छोटी है और छोटी भी थोड़ी नहीं आठ नौ इंच ऊपर ऐसे खड़े तो सही बराबर में छोटी थी साइड में चौड़ाई में मैंने देखा भी सचमुच छोटी है दूसरी देखी वो भी ऐसी दोनों एक जैसी खिड़कियां थी आमने सामने मैंने सोचा इन्हें रख दे लपेट के और शटोर में डाल दी ऊपर मैं वापस लेके जाऊंगा वो लेगा नहीं कहेगा मेरे क्या काम है मैं ये राड बढ़ाया नहीं करते भक्त मैंने डाल दी उस दिन के बाद दास ने ये भक्ति बोध बनवाई समय दास को दीक्षा देने का आदेश नहीं था तब तो तक उन्नीस में दास को आदेश हुआ है छह वर्ष तक दास सेवा करता था भक्तों को समझाता था गुरु जी के पास दिल्ली जाकर दीक्षा दिलवाता था फिर उनकी रजा हुई आदेश दे दिया दास को अचानक कि आज के बाद तू गुरु होगा और आज के बाद सबको बोल दिया कि इनसे उपदेश लो जितने भी उनके सस्ते जो इनको गुरु नहीं मानेगा मेरा कुछ नहीं लगता अब इतना बड़ा जिम्मेवार का काम दास को जब अचानक सौंप दिया तो पसीना पसीना हो गया समझ वो भी गए कि बच्चा घबरा गया तो उन्होंने कहा कि बेटा तेरे साथ रहूंगा घबराइए मत और विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा पूरे विश्व में तैल का होगा उस तो 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 समय तो मुझे ऐसा लगा कि अपने बच्चे को सभी शाबासी दिया करते हैं और सभी अपने बच्चे की कामना किया करते हैं यू बड़ा अफसर बनेगा और तू देखिए न्यू हो जाएगा मुझे पता था मैं कैसा संत हूं और क्या मैं कर सकता हूं लेकिन उस समर्थ के वचन से आज ये सब कुछ सफल हुआ है आज देख रहे हो विश्व में कोई संत नाम की चीज नहीं आप तो बालक नहीं हो एजुकेटेड है सारा सब इतिहास आपके सामने खोल दिए और ये दास को वो ज्ञान कबीर भगवान ने दिया और मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद फल रहा है तो मैंने पहले क्या करता था दास की ये पुस्तक बनवाता था और हमारे गुरु जी फरी दिया करते थे सबको जो उनके उपदेश लिया करते थे तो मैंने पांच हजार पुस्तक बनवाई और उनको रख दिया कि हमारे गुरुजी ज़्यादा रहते थे तलवंडी भाई पंजाब के अंदर एक छोटा सा फरोजपुर जिला में शहर है कस्बा सा बरवाले जैसा वहाँ ज़्यादा रहते थे और भी तीन चार आश्रम थे यहाँ नजब के अंदर था एक आश्रम अनाज मंडी में एक मोघा के अंदर है एक खन्ना में था लेकिन ज़्यादातर वो तलवंडी रहते थे और हरियाणा में केवल गरीबदास महाराज जी के एक, एक समागम होता था पर जैसे गरीबदास जी को भगवान मिले थे बहुत बोलते हैं उसका। उस उसमें छुडानी आया करते थे तो हम इंतजार में रहते थे जब वो छुडानी आएंगे वैसे मिलते रहते थे उनसे लेकिन यहाँ वो दान दीक्षा देते थे और फरी पुस्तक देते थे तो मैंने वो पुस्तक बनवा ली यानी जैसे आजकल मार्च में अप्रैल में मार्च में वो चले जाते थे फिर आते भादुआ के अंदर आते थे सितंबर में जब गरीबदास जी का निर्वाण दिवस होता था और मार्च में होता था उनका बोध दिवस ये दो ही समागम आते थे तो मैंने अप्रैल मार्च के समागम के बाद ये पुस्तकें बनवाने का निर्णय किया उनके आदेश से और बनवा के रख ली तो मैंने पूजा स्थल पर एक तख्त डाल रखा था उन पर कपड़ा बिछा कर सुंदर वो सारी पुस्तक लगा दी आएंगे गुरु जी तो उनको सम्भरवा देंगे वो फिर देते रहेंगे सेवा के लिए रख दी उस एक खिड़की में से शीशा टूटा हुआ था खिड़की का उसमें से चूहे बढ़कर उसको काटने उनको काटने लगे दो तीन दिन के बाद मेरी नजर गई कि चूहों ने काट दिया तो फिर मुझे ये भी ध्यान आया कि एक खिड़की का शीशा तो बिल्कुल ठीक है एक का शीशा टूटा हुआ है और शहर से दूर होने के कारण एक छोटे से शीशे के लिए कोई चढ़ाने वाला भी तैयार नहीं होता था के लिए एक दो बार कोशिश भी की थी वो टाड़मटोड़ ट्रा, कर देते थे ज्यादा कार्य होता आ जाते थे तो मैंने मेरे दिमाग ने काम किया कि वो दोनों जाली दो, दोनों खिड़कियों की लाए थे इनको ऊपर नीचे ओवरलैप करके लगवा देता हूँ बचाव हो जाएगा तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप ऐसे करना वो दोनों जाली उतार लो उतरवा ले लेना ले तेरी माँ से और इनको ऐसे ऊपर नीचे लगा के चढ़ा तो देना खिड़की पर वो लड़का बोला जी ठीक है छोटा लड़का था बारह तेरह वर्ष का उस टाइम वो और वो दूसरा जो एक और था अनिल नाम का बिहार से आया हुआ किराए पर रहता था वो जवान ठीक था समझदार साहब तो उन दोनों को मैंने बोल दिया मैं अपनी ड्यूटी पर चला गया दास था जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा तो मुझे तो चिंता थी मैं शाम को वापस आया तो मैंने क्या देखा उस लड़के की मां से पूछा मुझे चिंता थी कि वो जाली लगा दी कि नहीं नहीं लगा दी तुम्हें लगाऊंगा मैं गेल लग के बालक से ना भी जान रहा हो तो क्या देखा मैंने जाली लगा रखी और एक जाली वहीं पड़ी या लोहे की और वो उसकी माँ अपना काम लग रही मैंने उसे पूछा कि ये जाली वही है या कोई और लाए हैं बच्चे तो वो कह रही थी कि ये कहाँ के और लावा था मैंने सुबह रखी कह रही हूं भाई तेरा पापा कह के गया था तो जाली लगा दो या तुमने गुस्सा होगा फिर अब आपके आणते आध घंटा पहले मैंने ऊपर उतार के स्टोर से डाल ली है और अभी लाकर वो बाहर गया खेलने के लिए और मेरा कलेजा पकड़ा गया मैं उसे प्रसन्न करूं वो ध्यान नहीं दे रही क्योंकि उसको पता नहीं इस बात का और मेरे सारे शरीर में सरनाटा गया कि या तो ये जाड़ी वो नहीं ये कोशिश करी मैंने जानने की वो बोली देख इनका जंग लगा हुआ है मैंने उठाकर सटोर में डाल ईब उतारी है छह महीने के बाद यानी मार्च के बाद बहादुए में एक रेनी सीजन ऊपर का उतर गया वर्षा का मौसम उनका जरवर भी लग रहा था दिखे पुरानी फिर भी विश्वास नहीं आया लड़का है क्योंकि एक ही जाली और फूलारी रू इतनी फालतू कब से छह आठ सात इंच और और लटक रही थी तो मैंने उसको लड़के को बुलाया बाहर खेल रहा था इधर और जो दूसरा उसके साथी था वो बुलाया और उन लड़के से कहा कि ये जाली तुम तो और लाए हो या वही है अगली वही है और मेरी मां ने उतार कर दी थी हमने भी लगाया है वो किराएदार भी करा कि अभी आंटी ने उतारा है अभी लगाया उन्होंने मैंने लड़के से देखो हम इतने हमें ज्ञान नहीं था भगवान ने भगवान वाला कोई काम सामने कर ना विश्वास हो रहा था मेरे भी हमने सुना करते थे नो तो था विश्वास भगवान पता नहीं करते पर आज तक होया नहीं देखा था मैंने उस लड़के से कहा कि मेरे सिर पर हाथ रख और कबीर भगवान की कसम खा वही जाली है न बोला जी कबीर भगवान की कसम और वह जाली है मेरी मान उतार कर लाई थी वो दिन हर आज के माना करते कृष्ण भगवान ने साड़ी बढ़ा दी एक कपड़ा अब तो पता चल गया कि वो साड़ी बढ़ाने वाला भी यही था लेकिन उस समय बुद्धि इतना काम करे थी कि कबीर इज गॉड क्योंकि इसने लोहा भी बढ़ा दिया कपड़ा तो छोड़ ये क्या नहीं कर सकता वो दिन सर आज पुणात्माओं सन उन्नीस से लेकर आज दो हो गया दास ने पीछा मुड़का नहीं दी कहते सारा संसार कुछ कहो कि कबीर भगवान नहीं है इस दास की आत्मा से कोई निकाल नहीं सकता गॉड। अब जब दास के साथ घटना घटी और वो कम से कम दस साल लगी रही वो जालीनों की नोरों को दिखा करता देखो जो भगत थे वो तो मान जाते बकवादी गए बकवास कर झूठ वाला पाखंडी है अच्छा भाई तो फिर मैंने सोचा कि देख ये आर्य समाज का जो व्यक्ति है कितना अच्छा आदमी है बोलन चालन का व्यवहार का ठीक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति है और इसको अज्ञान है ये ये कहा करता कि ऐसे नहीं हो सकता साड़ी नहीं बढ़ सकती तो मैंने सोचा ला इसको समझा दू क्योंकि मेरे से पहले वो काफी प्रभावित था क्योंकि भक्ति में हम लगी रहे थे पहले भी भक्त जैसे थे हम नाम ना मिला था तब तो भी नेक नीति से रहना और कोई किसी को दुख नहीं देना ये पहले से नेतर थी तो मैंने उसके में और वो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बात नहीं मानेगा लेकिन ये अज्ञान इतना गंद ठोक दिया उस मूर्ख मै रिशिदानंद अज्ञानी ने बिगाड़ दिया कितने व्यक्तियों वोलीओं को तो मैंने उसके पास बैठकर जिक्र किया जी मास्टर जी आप मानते हो कि भगवान भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी द्रौपदी की साड़ी बढ़ा दी थी जैसे विषय बढ़ाना चाह मैंने उसको चलाना था विषय कारण बना के वो कहता जी नहीं, नहीं ऐसे हम नहीं मानते मैंने कहा जी फिर मैंने उसको अपने उस जहां वो जाली लगा रखी थी ऊपर चौबारे में उस गैलरी में उस नीचे एक उसकी कक्ष था उसमें बुला लिया वहां बैठ के मैंने वो लड़के भी बुला लिए दोनों जिन्होंने जाली लगाई इनकी माँ बुला ली ताकि इसका पेटा भर दू विश्वास दृढ़ करवा दू मान जा हमारी बात को उसको मैंने कहा जी देखो आप तो कपड़े की बात करते हो हमारे भगवान ने लोहे की जाली बढ़ा दी आप सतकर मानो नो बोला वो कहने लगा कि नहीं नहीं आप ये कोई बात हुई जाली साड़ी कभी बढ़ती है जाली कभी बढ़ती है मैं बोला देखो आओ दिखाऊ आपको बोला नहीं छोड़ो छोड़ो हम नहीं मानते अब वो काफी अटपट बोलने लगा मैंने मुझे आशा नहीं थी कि इतना एकदम ऐसे गिरगिट की तरह बदल कर ऐसी बकवाद करने लग जाएगा मेरी आशा के विपरीत उसने ये बात कही कि आप तो ये पाखंडियों के बकाई हुई बातें हैं ये है अब पाखंडी तो मैं जब हूं जब कोई मैं रोजी रोटी पाखंड से चला रहा हूं मैं तो नौकरी करता था जूनियर इंजीनियर था दो रोटी सुथरी मिल रही थी मैं अब भी मुझे पाखंडी कह रहा है ये मूर्ख तो मैं चुप हो गया कि मुखा ये अब इससे आगे बोलना कोई अच्छी बात नहीं ये सुनता ही नहीं मैं चुप हो गया चल भाई अब आप नहीं मानोगे तो मानो मैं अभी ना आपकी क्योंकि मैं दर्द हो गया मेरे साथ घटना घट गट गई थोड़ी देर में उसने पता नहीं भगवान जाने क्या सोचा कि अभी मकान मालिक से नाराज हो गया तो उसने नम्रता के साथ कहना शुरू किया कि आप इंजीनियर हैं एजुकेटेड हैं ये तो अनपढ़ लोगों के की, की बातें होती हैं ये बढ़ा दिया फलाना घटा दिया मैं बोला नहीं बेकाब इससे कोई फायदा है नहीं है डिस्कस करने का तो क्या करने लग गया कि मैं बताता हूं महर्षि दानंद ऐसे होते थे महर्षि एक बार अपने कमरे में अभ्यास कर रहे थे योग अभ्यास उधर से उनके दूध का समय हो गया दूध पीता था वो सुबह सुबह तो नौकर गया उसने खिड़की से देखा महर्षि दानंद कमरा बंद और उसमें योग आसन पदम लगा के अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए नमस्कार सर नमस्कार जी सर क्या नाम है आपका मेरा नाम दास पुनीराम टंडन है सर कहाँ से हैं आप मैं बलौदाजाज छत्तीसगढ़ से हूँ सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली मैं संत रामपाल बंदी छोड़ महाराज से नाम दीक्षा 12 दस 2020 में लिया सर क्या काम करते हैं आप मैं पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में हवलदार के पद पर काम करता हूँ सर आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक कृपया हमारे दर्शकों को बताएं हाँ जी मैं भक्ति साधना करता था संत राम पाल गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले सतनामी पंथ में मैं पंडित कदमदास मारकंडे से ज्ञान दीक्षा लिया था और सतनामी पंथ के मुताबिक सतनाम चौका आरती करता था गांव-गांव जा कर के और जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को नाम दान भी दिया देता था गुरुपद में कार्य करता था मैं सतनामी पंथ में सतनाम का चौका आरती करता था और लोगों को दीक्षा भी देता था एक दिन मैं यूट्यूब चैनल में संत रामपाल गुरु महाराज का प्रवचन सुना उसके सुनते ही मेरे आत्मा में अभास हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा है सर जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ में महंत थे तीस साल से सतनामी पंथ में आप महंत का काम कर रहे थे और आप एक खुद गुरु पद पर थे तो सर जब आप खुद गुरु थे बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु देखे हैं हमने कि वो गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी को अपना गुरु बना रहे हैं आपने भी ऐसा ही किया तो सर इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहा मैं शुरू से ही सतनाम की खोज में खोज करता था सतनाम की तलाश करता था खोज करता था आखिर की सतनाम है क्या चीज मैं सतनामी पंथ के मुताबिक गुरु घासीदास बाबा का अनुआई था उसका नाम पान ले रखा था उनका सरा नाम पान लेता था उन्हीं का पूजा पाठ करता था लेकिन मुझे सतनाम के बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुआ समाज के गुरुओं को समाज के महंतों को सबसे जानकारी लिया कि इस आखिर सतनाम क्या है तो हर कोई यही बता देते थे कि सतनाम सतपुरुष एक ही है और बाकी निराकार है लेकिन मैं भी इसी में संतुष्ट हो गया था कि फिर लेकिन मेरे आत्मा से मैं ये तलाश करता था कि सतनाम जब नाम आया है तो कहीं ना कहीं सतनाम तो कुछ हो होगा इसकी तलाश में एक दिन मैं यूट्यूब में, में चैनल में देखा तप वसंत रामपाल गुरु महाराज का प्रवचन सुना तो मुझे ऐसा आभास लगा कि यह स्वयं परमात्मा है ये परमात्मा कलावा अलावा इस प्रवचन को कोई नहीं कह सकता इस बात को कोई नहीं बता सकता ये स्वयं परमात्मा का अलावा दूसरा नहीं कह सकता क्योंकि परमात्मा ही अपने जो भी अपने घर का बात परमात्मा ही बताएगा उसी दिन से मैं श्रामपाल गुरु महाराज के शरण में अपने मन वचन कर्म से समर्पित हुआ और मैं अपने बच्चों को भी गुरु महाराज के शरण में लेकर के नामदान दीक्षा दिलवाया और मैं स्वयं नामदान लिए लिया और मैं अपने शिष्यों को भी कहा कि भाई आप लोग जिस भगवान की तलाश करते हो जिसकी पूजा करते हो वो परमात्मा मनुष्य के रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं आप उनसे नाम दीक्षा लो और नाम दीक्षा ले करके अपने कल्याण कराओ ऐसा करके इस सब शिष्यों को बोला उसमें से कुछ शिष्य आ कर नाम दान भी लिए हैं और कुछ आ रहे हैं कुछ लेने के लिए संत रामपाल गुरु महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए आ भी रहे हैं और कुछ लिए भी हैं मेरे शिष्यों को मैं बताया कि आज तक इस धरती में जो भी नाम पान आया है ये नकली है ये नकली गुरु नकली महंत नकली संत हैं और उसी के अंतर्गत मैं भी हूँ मेरा भी ज्ञान कोई पूर्ण ज्ञान नहीं है लेकिन संत रामपाल गुरु महाराज स्वयं परमात्मा के रूप में नाम दे रहे हैं वो वो मोक्ष मुक्ति के लिए ही नाम है मोक्ष मुक्ति का नाम है आप सब नाम दान लो और अपना कल्याण कराओ ऐसे मैंने सबको आगाह किया हूँ सर अभी कुछ समय पहले से ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत सारे गुरु महंत जिसमें आप भी एक हैं अपना पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज को आपने अपना गुरु बनाया गुरु माना आज उनके शिष्य हैं तो सर ऐसा क्या ऐसा संभव हो रहा है कि आप लोग पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ रहे हैं ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के पास और संत रामपाल जी महाराज जी को ही आपने अपना गुरु क्यों बनाया संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं पूर्ण परमात्मा है और उसको जो ज्ञानी होगा जो हक हकीकत में सतनाम धर्म को मानता है सत ज्ञान को समझता है जानता है वो अवश्य करके पहचानेगा कि वो परमात्मा है कह करके और जिसने नहीं पहचानता नहीं पहचाना या पहचाने कोशिश नहीं किए हैं वो सब नकली ढोंगी कपटी ये गुरु बने और पद प्रतिष्ठा के लालच में बन करके बैठे हैं उनके समझ में बात नहीं आ रहा है लेकिन एक दिन उनके भी समझ में आएगा कि पूर्ण संत रामपाल गुरु महाराज हैं जो मुक्ति के नाम देते हैं सर संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी को सृष्टि का रचनहार पुल का मालिक बताते हैं अगर कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा है तो श्री राम जी श्री कृष्ण जी और श्री दुर्गा माता जी ये कौन है फिर कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा है संत रामपाल गुरु महाराज ने बाइबिल से कुरान से गीता भागवत से सिद्ध करके बताए हैं कि कबीर परमात्मा ही पूर्ण परमात्मा है कबीर साहेब ही पूर्ण परमात्मा है लेकिन राम कृष्ण जो भगवान है ये भी अपने अपने स्तर के एक भगवान ये भी हैं लेकिन जो लाभ कबीर परमात्मा दे सकते हैं वो लाभ इन, इनके पास नहीं है सर जैसे कि आपने कि आपने बताया आप सतनामी पंत संत घासीदास जी महाराज का जो पंथ चल रहा है उसमें आप महंत थे आपने महंत का, का काम तीस साल तक किया आपने शिष्य भी बनाए आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं खास करके वो शिष्य जो आपने महंत पद पर गुरु पद पर रहते हुए बनाए थे तो अगर वो शिष्य आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ मेरे शिष्यों के लिए कि संसारिक लोक अपवाद की भय को त्याग दें ये जगत की जो कुरीतियाँ हैं इनको छोड़ दें और छोड़ करके यदि उनको मुक्ति पाना है मोक्ष पाना है तो बिना संकोच रामपाल गुरु महाराज के शरण में आए और उनसे नाम दान लेकर के अपने जीवन की जीवन सफल सफल बनावें मैं संत रामपाल गुरु महाराज से का जो ज्ञान सुना तो अपने मुक्ति मोक्ष के लिए मैंने पर उस परमात्मा के शरण में आकर के नाम दान लिया और अपना कल्याण करवाया जहाँ तक मेरे शिष्य सुन रहे हैं और जो भगत अपना कल्याण करवाना चाहते हैं वो सब संत रामपाल गुरु महाराज के शरण में आवें नाम दान ले और अपना कल्याण करावें सर संत रामपाल जी महाराज से नामदान कैसे लिया जा सकता है संत रामपाल गुरु महाराज से नामदान जो टीवी चैनलों में कई एक चैनल है जिसमें सत्संग आता है उसके नीचे में पीली पिलीपट्टी या ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह या गीता तेरा ज्ञान अमृत ऐसे पुस्तक भी भक्तजन पुस्तक वितरण कर सेवा कर रहे हैं उनमें मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर से संपर्क करके जो जहाँ का रहने वाले हैं वो घर बैठे गुरु से नाम दीक्षा ले सकते हैं धन्यवाद जी सच जी आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें